सरकार अपने को कहीं न कहीं इसमें घिरा मान रही है, इसलिए चर्चा न कराने कारण अर्जुन कुछ शोर शराफा नहीं हो रहा है, कुछ नाराबाजी नहीं हो रहा है और बस आते हैं और ये स्थगित किया जाता है। विरोधी दलों का ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। मतलब जिस तरह रोज हंगामा करना और काम को रोकना, ये लोकतंत्र के खिलाफ इन लोगों का खिलवाड़ है। ये जनता के हक की माड़ी है, जनता का हक है। आखिर संसद बना काहे के लिए है? हंगामा नहीं है, विपक्ष की आवाज, विपक्ष की बातें देश और दुनिया में न जाएं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने अपना एक अड़ियर रुख अपना लिया। कोई बड़ी बात नहीं है, संभल पे चर्चा कराने से, संभल पे हमारे जो सांसद हैं उनके ऊपर FIR और तमाम लोगों पर जिनसे कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई पार्टीशन नहीं था, उनकी हाजिरी नहीं थी, उनके ऊपर FIR तो, और तमाम पांच लोगों की हत्याएं हुई हैं, पुलिस पूरी तरह से जिम्मेदार है, ये यही सारी बातें के लिए तो हाउस में हम लोग कहते। लेकिन चूंकि सरकार अपने को कहीं न कहीं इसमें घेरा मान रही है, इसलिए चर्चा न कराने कारण अर्जुन ये वॉशआउट कौन करवा रहा है? सरकार करवा रही है। विपक्ष चाहती है कि मुद्दे पर चर्चा हो, अडानी मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा है, संबल और अजमेर के मुद्दे हैं और कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब पर हमने नोटिस दी है, पर नोटिस का जिक्र भी नहीं होता है। हमारे नेताओं को मौका ही नहीं दी जा रहा है क्या 2-3 मिनट के लिए ये विषय उठाएं और कहें क्यों ये मुद्दे इतने महत्व हैं कि हम उस पर नोटिस दे रहे हैं। हम देख रहे हैं, पहली बार मैं देख रहा हूं, पिछले हफ्ता 4 दिन, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और आज फिर सोमवार, यानी कि कितने 4 दिन पिछले हफ्ते और आज 5वां दिन है, स्थगित हो रहा है 10 मिनट के अंदर। ऐसा नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा, पहले 1 घंटे 2 घंटे नारेबाजी हुआ करती थी, हम मुद्दे उठाते थे, हम वेल में जाते, हम अपने सीट पर बैठे हुए हैं आराम से, हम कुछ शोर शराफा नहीं हो रहा है, कुछ नाराबाजी नहीं हो रहा है और बस आते हैं और ये स्थगित किया जाता है। ये सरकार नहीं चाहती है ना, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार चलाना, संसद चलाना सरकार का काम होता है, पर बिल्कुल हम देख रहे हैं इस सत्र में, क्योंकि अडानी के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती, मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती, अजमेर और संबल के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती, इसीलिए पूरे तरीके से कोशिश की जा रही है कि सदन ना चले। हमारी ओर से हमने एक और मांग रखी है सरकार से, पिछले 4 दिन पहले राहुल जी ने स्पीकर को लिखा था, खरगे जी ने चेयरमैन साहब को लिखा था कि 2 दिन बहस हो संविधान पर, क्योंकि अभी अभी 26 नवंबर को हमने 75वां जयंती मनाई, संविधान को जो स्वीकारा गया, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया था, स्वीकार किया, अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट में, संविधान सभा के में, तो उस संदर्भ में हम चाहते हैं कि 2 दिन की बैठक हो, 2 दिन पर चर्चा हो। सरकार मान ली है, पर हमने सरकार से ये मांग की है, पर डेट तो तय कीजिए कब होगा। इस सत्र में होगा आपने कह दिया है, पर कब होगा? क्योंकि ऐसा नहीं, क्योंकि अभी तो बिल्कुल ट्रस्ट डेफिसिट होता है ना, हम कैसे विश्वास करें सरकार पर। तो हमने कहा है सरकार से, ठीक है आपने मान लिया है हमारी मांग को, पर आप नोटिफाई तो कीजिए बुलेटिन में कब करने वाले हैं चर्चा लोकसभा में और राज्यसभा में। तो अभी मुझे उम्मीद है कि वो नोटिफाई करेंगे। विरोधी दलों का ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। मतलब जिस तरह रोज हंगामा करना और काम को रोकना, ये लोकतंत्र के खिलाफ इन लोगों का खिलवाड़ है। और मुझे लगता है कि जो विषय उनके है वो सरकार के साथ बातचीत कर सकते हैं, उसमें जो मार्ग निकाला जा सकता है, जो ऑनरेबल स्पीकर है या चेयरमैन साहब है उनके साथ बातचीत हो सकती है,
दोनों सदनों का कामकाज रोकना ये ठीक बात नहीं है। और विरोधी दलों ने मतलब जिस तरह उनके दिल में बहुत बड़ा गुस्सा है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं और जानबूझकर इसी तरह की मतलब बयानबाजी करना, वेल में आना और कामकाज रोकना, ये लोकतंत्र को बहुत बड़ा धोखा है। ये विपक्ष को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी सहित। अगर लोकतंत्र में भरोसा होता तो जनता की गाढ़ी कमाई को एडजॉर्न करा करके ये जनता के हक की माड़ी है, जनता का हक है। आखिर संसद बना काहे के लिए है? संसद में अगर जनता के लिए चर्चा नहीं होगी तो ये शोर मचाने के लिए होगा। ये दुखद घटना है, ये होना नहीं चाहिए। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।